इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा सर के अपडेट की बात करें तो प्रदेश में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया 25 मई को पूरी होते ही कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है। जी हां, इसको लेकर सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें, आचार संहिता प्रभावी होने के बाद नए विकास कार्यों के अलावा हथियार लाइसेंसों के आवेदन प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। हालांकि शहर में चल रहे बड़े छोटे प्रोजेक्टों पर आचार संहिता का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यही कारण है जो पिछले कुछ समय से प्रदेश में लगातार भूमि पूजन व लोकार्पण का सिलसिला जारी है। उम्मीद की जा रही है कि अब 2 से 3 दिन में इस पर भी विराम लग सकता है। नए विकास कार्यों को शुरू नहीं किया जा सकेगा, पुराने कार्य अपनी गति से चलते रहेंगे। जिन जिन कार्यों का भूमि पूजन कर दिया गया है उनका वर्क ऑर्डर जारी हो सकता है। शहर के संचालित बड़े प्रोजेक्ट जैसे एलिवेटेड रोड, शहर के रेलवे ओवरब्रिज, स्मार्ट रोड, किला गेट रोड, ट्रैफिक अधोसंरचना के कार्य, मेंटेनेंस से जुड़े कार्य, इस तरह के कार्यों पर कोई असर नहीं होगा। तो ये था आपका अपडेट। लगातार जानकारी के लिए